जानते हैं काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सुबह के 9 बजे से मतदान चालू हुए और अभी वोटिंग की जो वोट किए गए हैं अभी वोटिंग की काउंटिंग चल रही है और बच्चों में छात्र छात्राओं में काफी उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। हाँ तो तस्वीर दिखाइए, हाँ तो तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि लोगों के अंदर काफी उत्सुकता है कि किसकी जीत आने वाली है और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, कौन प्रत्याशी जीत का सामना करेगा और कौन प्रत्याशी हार का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ के जो पुलिस बल है, जो पुलिस कर्मचारी है, सुबह से ही अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं, सुबह से ही वो अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं ताकि देख रहे हैं कि कहीं भी कोई झगड़ा लड़ाई और वो गर्मा गर्मी वाला माहौल ना हो। विद्यापीठ में प्रत्याशी की चुनाव चल रही है उसमें गर्मा गर्मी होना जायज है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई भी खबर नहीं आया है और हम बस पाँच बजने में कुछ चंद बाकी और हम 5 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि 5 बजे तो सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन बनेगा प्रत्याशी जीत का। तो ये महज कुछ पल में इसकी खुलासा हो जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ खुशबू सिंह। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव का परिणाम आज शाम 5 बजे आ गया है। छात्र संघ अध्यक्ष पद की सीट को समाजवादी पार्टी सपा के विलेश यादव ने जीत लिया है। इसके अलावा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NHUI को भी 2 सीट में जीत मिली है। उपाध्यक्ष की सीट को संदीप पाल और महामंत्री की सीट को प्रफुल्ल पांडे ने जीता है। काशी विद्यापीठ में पुस्तकालय मंत्री का चुनाव आशीष गोस्वामी ने जीता है। आशीष गोस्वामी किसी पार्टी से नहीं थे, वे एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे और मैं MA थर्ड सेमेस्टर का अध्ययन का छात्र हूं। तो आपकी मोटो क्या है कि आप काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं? ये विश्वविद्यालय में मेरा पहला अगर मैनिफेस्ट होता, अगर मेरा पहला मोटो होता तो मेरे यहाँ पे था कि पूछताछ केंद्र। जो विश्वविद्यालय में तमाम तरह के हमारे छात्र जब प्रवेश लेते समय आते हैं तो हम भटकने का काम किया जाता है, कभी कहा जाए तो वहाँ जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में अगर पहला मैनिफेस्टो पहला मोटो बनता है तो वहाँ पूछताछ केंद्र और हेल्पिंग डेस्क बने। और ये भी कि विश्वविद्यालय में तमाम तरह की परेशानियाँ हैं, यहाँ पे सोचते हैं कि जो बुजुर्गों की राजनीति है यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जीत के बाद वो जो भी उनकी मोटो रहती है वो भूल जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जो जीत का सहरा है आपके सर पे आ गया तो क्या आप इसके बाद अपनी मोटो भूलोगे? तो नहीं, नहीं। यहाँ पे आप जो बोली अभी कि मोटो भूल जाते हैं जीत के बाद, लेकिन मैं यहाँ पे बुजुर्गों की राजनीति स्थापित करना चाहता हूँ। मैं ये ना कि जो कि न्यू जनरेशन की जो राजनीति इस समय चल रही है वो उसको स्थापित करना, मैं जो यहाँ पहले बुजुर्गों की जो चंद्रशेखर आजाद होता थे, चंद्रशेखर सिंह हुआ करते थे, जो भारत के कभी विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, मैं ऐसा राजनीति चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय से एक ऐसा शासन पदाधिकारी जो बने जो भी की लड़ाइयाँ लड़े और आगे सदन तक जाने का काम करे। मेरा नाम विमलेश यादव है, इस बार मैं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जो आपने चुनाव में खड़ा हुआ है उसका मेन मोटो क्या था चुनाव में खड़ा होने का? पहली हमारी चीज़ थी कि जो विश्वविद्यालय हम लोग की मूलभूत समस्याओं से उलझ रहा है उसको सही करने का प्रयास किया जाए। विजयी प्रत्याशी पहली चीज जो लैब की समस्या रही,